आजो 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 तू छोड़ो जेट फायर हो रहा है ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जहाँ पे तेल नीचे गिर करके पुल बना रहा है ना, पहले उसको बुझाएंगे तो वहीं पे आपको अटैक करना है ठीक है। जैसे वो बुझ जाएगा धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे, क्लियर है। तो जहाँ पे लिक्विड नीचे गिर रहा है उसी को अटैक करना है आपको बेस पे। ओके ओके थोड़ा दूर रहिए, इन फर्स्ट इंस्टेंस ट्राई टू बी अवे फ्रॉम फायर, मेंटेन सम सेफ डिस्टेंस। ऑलराइट फास्ट मेथड कॉल यादव स्टार्ट करो यादव। बस बस पीछे रहिए स्क्वीज नहीं है, पूरा स्क्वीज नहीं है, स्क्वीज नहीं है, वो स्क्वीज करिए पूरा। हाँ स्क्वीज करिए, स्क्वीज नहीं है पूरा, स्क्वीज करो। हाँ स्क्वीजिंग करिए, वेरी गुड। आप लोगों को कंप्लीट स्क्वीजिंग करना है और फिंगर समटाइम्स जब धुआं भरा जाएगा उसमें आपको क्या है नीचे बैठ के और इसे सब नीचे बैठ जाएंगे। चलिए चलो चलो, ये साइड से नहीं पकड़ा, ऐसे राउंड पकड़ना है। उसके पीछे नहीं खड़े रहेंगे, आपको यहाँ लाइन बना के खड़े रहेंगे। क्या उसका कुछ गिर गया तो आपको जाओ लोअर बॉडी को थोड़ा सा उस तरफ कर लेंगे ना पहले, ऐसे डाल के जैसे आपने ऐसे यहाँ से राइट लेग डाला तो लोअर बॉडी को पहले निकालने की कोशिश कीजिए, फिर हेड एंड देन लेग, तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए आप लास्ट हो सर। यस और कोई है? नो नो और भी आ रहे हैं ना पीछे, पीछे आ रहे हैं और दूसरा है सर्च एंड रेस्क्यू विद द हेल्प ऑफ बीएसएफ। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने इसको तीन स्टेज में डिजाइन किया है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आप जाएंगे बिल्डिंग को देखेंगे, यू विल गो इनसाइड, यू विल सी द स्ट्रक्चर, उसका लेआउट कैसा है उससे अपने आप को फैमिलियराइज कराएंगे। सेकंड स्टेज में ये सारे जितने भी डोर्स होंगे वो सारे डोर्स क्लोज हो जाएंगे और जो अंदर से स्ट्रक्चर है ब्लैक पेंटेड है तो अंदर में कम्प्लीटली ब्लैक रहेगा, ब्लैक की सिचुएशन रहेगा और अंदर में स्मोक फिल कर दिया जाएगा। और आप लोगों को टास्क मिलेगा कि फर्स्ट कंपार्टमेंट से इंटर करना है और फाइनल वाले कंपार्टमेंट से बाहर आना है। मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा थोड़ा बताऊंगा आपको। एंड थर्ड वाले स्टेज में सेम एज विथ सेकंड स्टेज, बट डिफरेंस ये रहेगी कि आप लोगों को ऐसे इवैक्यूएशन नहीं करना है, आपको भागना नहीं है, इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं है, आप लोगों को अंदर में जाना है कुछ काम करने के लिए और विद द हेल्प ऑफ स्कैबा सेट, ब्रीथिंग अपरेटस सेट। तो ये टोटल तीन स्टेजेस आप करने वाले हैं। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, लेआउट से खुद को फैमिलियराइज करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे मैम, यू हैव टू गो और अंदर से देखेंगे स्ट्रक्चर को। ये G+1 स्ट्रक्चर है, ग्राउंड फ्लोर और एक और फ्लोर है यहाँ पे और टोटल जो पूरे स्ट्रक्चर को
हम फोर कंपार्टमेंट में बांटा गया है। ग्राउंड फ्लोर पे दो कंपार्टमेंट है और फर्स्ट फ्लोर पे दो कंपार्टमेंट है। तो ये फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है उसका एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप एंटर करेंगे। वहां से फिर सेकंड कंपार्टमेंट में जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट एक डोर से कनेक्टेड है, एक दरवाजा है जो कि खुला रहेगा और आपके तीनों स्टेजेस में वो दरवाजा खुला मिलेगा, आपको क्लोज नहीं मिलेगा। बाकी एक्सटर्नल डोर विल बी क्लोज, इंटरनल जो डोर है जो अभी ओपन है वो आपको ओपन मिलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड आपको जाना है। सेकंड एंड थर्ड कंपार्टमेंट एक लैडर से कनेक्टेड है, एक लैडर मिलेगा आपको सेकंड कंपार्टमेंट में, उसको यूज करके आप थर्ड कंपार्टमेंट में रीच करेंगे। थर्ड कंपार्टमेंट से फोर्थ कंपार्टमेंट एक मैन होल से जुड़ा हुआ है, तो मैन होल को क्रॉस करके आप फोर्थ कंपार्टमेंट पहुंचेंगे। एंड फोर्थ कंपार्टमेंट एक्सटर्नली एक स्टेयर केस से कनेक्टेड है जो पीछे साइड में है, वहां से आपको नीचे आना है। तो टास्क है फर्स्ट से एंटर करेंगे एंड फोर्थ कंपार्टमेंट से बाहर आएंगे। ऑलराइट, तो ये आपको जाना है अंदर में। शुक्र भाई, मनु और शुक्र भाई जाएंगे, आपको थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर लेआउट भी ब्रीफ कर देंगे और जो मैं आपको अभी मौखिक बताया हूँ आप फिजिकली अंदर जाकर चीजों को देखेंगे। बट एक क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर अंदर से ढूंढ के लेकर आएंगे। टास्क छोटा सा है, ये है कि फायर एग्जिट्स कितने हैं, कितने एग्जिट्स हैं, कितने एग्जिट्स अवेलेबल हैं टोटल चार कंपार्टमेंट्स को मिला करके, वो आपको कैलकुलेट करके बाहर आके बताना है। ये इंडिविजुअल टास्क है, डिस्कस नहीं करेंगे। आपने जो देखा हो 34 लोग हैं, पांच पांच लोगों का टीम बनाएंगे ना, 5 लोगों का टीम बनाएंगे, तो टीम के अकॉर्डिंग में पांच पांच लोग करके ऐसे खड़े हो जाइए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फाइल समझते हैं, सिक्योरिटी वाले समझते होंगे, फाइल मतलब एक लाइन बनेगा पांच पांच लोगों का, है ना, खड़े हो जाइए, फाइव ऐसे खड़े हो जाइए। सभी लोग ग्लव्स पहन ले, यू ऑल शुड वियर द ग्लव्स। पांच लोग लाइन में, ओनली 5। और मैं चाहता हूँ टीम मिक्स चाहता हूँ, जो अपने वर्क सेंटर से आए वही वाला ग्रुप नहीं चाहता हूँ मैं। शुक्र भाई इनको मिक्स करिए, जोधपुर वाले राजू में बाकी लोगों को लेने आया कि नहीं, बाकी लोग सर वो हाथ ही नहीं रखा, कहाँ गए, आगे 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 सब किसके वाले गाड़ी गाड़ी शोल्डर टच करते हुए जाएंगे, है ना, शोल्डर टच खड़े हो जाएंगे, लाइनअप हो जाएंगे, लाइनअप लाइनअप ऐसे जो करके शोल्डर टच किए, हाँ पोजीशन ऐसे लेके, ठीक है, दरवाजे का स्लोली कंप्लीटली ओपन होने दें, या नो बेंड ऑन, एवरीवन बेंड ऑन, बेंड ऑन, या शोल्डर टच या स्लोली राइट साइड मूव करते हुए, नॉट लेफ्ट साइड, राइट साइड वॉल को टच, बेंड ऑन आप लोग खड़े होकर जा रहे हैं, बेंड ऑन, लेट जाइए, बॉल को टच करते जाएंगे आगे। सेकंड क्रू प्लीज, जल्दी जल्दी बैठो, खोलो एक और चाहिए,
आप ही गॉगल्स ले लीजिए। फोर्थ वन नहीं आया सर अभी, फोर्थ वन का बाकी के लोग बैठ जाएं। कम ऑन, वेरी गुड, क्लैप करेंगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो लास्ट में रहेंगे फिफ्थ अनदर फाइव, अनदर फोर, ये जैसे का चलिए। स्कैबा सेट बोलते हैं, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस सेट। उसको डॉनिंग करके उसको पहनने को कैसे है, कैसे उसको डॉनिंग करना है, कैसे उसको रिमूव करना है, और वो सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद में उसको पहन करके आप अंदर में जाएंगे स्मोक हाउस में, और एक कैजुअलिटी होगा, एक दो तीन, इट डिपेंड्स, उसको सर्च करके रेस्क्यू करके बाहर लेकर के आएंगे। मेल कपलिंग की साइड में आके देखिए, ये मेल कपलिंग को एक पार पूरा उठा दिया है, और ये देखिए ये यहाँ से रखिए, नहीं अभी ये पानी इसके अंदर जो होल्स के अंदर रह गया है उस पानी को निकाल रहे, काम करने वाले जो पानी रह गया उसको निकाल रहे हैं। अपना शोल्डर लेवल से ऊपर ही रखना है ताकि पानी पूरा कंप्लीटली उसमें से ड्रेन हो जाए। जो फीमेल साइड में खड़े हैं वहीं से आपको क्या यूनिवर्सल में लपेटते हुए आना है, प्लीज देखिए वहीं से लपेटना है आपको, दो तीन राउंड एकदम टाइट लपेटना है, उसके बाद यूनिवर्सल में उसी पैर वही पैर वही हाथ वही पैर वही हाथ वही पैर कंटिन्यू चलते जाइए। लोअरिंग द होज़, एक गो, सी इस तरह से उठाना है। एक बार अगेन से बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, नंबर वन यहाँ पहन दी, यहाँ पहन दी, टू एंड थ्री, ठीक है। जब भी खोलना है आपको दोनों लॉक्स को पकड़ लेना इस तरह से, ओके। ये नीचे जाया, इसके बाद दौड़ते जाइए खोलते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड,
हमेशा शोल्डर लेवल से रखोगे तो बहुत आपका वेट नहीं आएगा, इजीली चलेगा। ठीक है, फाइन गाइस, मूव बहुत से लेफ्ट साइड में रहना है, पैर को उठाइए। वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रवि ना कबलिंग को ड्रैग नहीं करना है, नहीं तो वो खराब होगा। एक पकड़ना है, छोड़ना है ना, एक पकड़िए, छोड़िए, बहुत अच्छे। अपना पुल कर भानो, कपलिंग उठाइए उधर से, पुल के टाइम पे रोलिंग द होल्स नंबर टू, हल्का दबा के राजू, राजू को हाउस खोलो, फिर ओपन करो, हल्का दबा के तो उसको अपने साइड पुल करके रखना है ना, और तब बढ़ना है। हाथ पकड़िए, एक हाथ से छोड़िए, एक हाथ से पकड़िए, जल्दी बाजी में करो, बहुत है, बहुत है, गुड गुड। दिखाओ सेवन करके, दिखाओ उनको, साहब, दिस इज व्हाट रियल फायर इज। आगे जाओ, आगे जाओ, इधर से आ जाओ, हेलो हेलो, उनको बोल इधर से आने के लिए। Link in the
कितना हमारे आदमी कितने है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कितने फंसे हुए है ना। बाहर की पूरी गाड़ी चलेगी, एक कैसी हो गई है। रिपोर्ट 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 करिए। आराम से वोटर हो हेलो, आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमें इंटरनल खबरों से पता चला है कि एक कैजुअलिटी हो चुकी है, गांव वालों के बीच में भी आक्रोश है। सिक्योरिटी वाले जो है वो गांव वालों को अंदर नहीं आने देना चाहते, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको मिलने नहीं देना पा रहे। इसी बीच में हम स्वागत करते हैं हमारे कंपनी के कोऑर्डिनेटर का। तो सर, आपका क्या कहना है? अभी आपको बुझा दिया गया है और जहाँ तक मैं जान पाया तो ये जो कैजुअलिटी थी वो आपके एबीसी कंपनी के एम्प्लॉई थे कि गाँव वाले थे? गाँव वाला कोई नहीं था, हमारे क्योंकि गांव वालों का कहना है कि उनके तीन बंदे फंसे थे, तो क्या उनको जैसे कि आप बता पा रहा हूँ आपको, हमारे आप देख सकते हैं कैसे दोनों के बीच में असमंजस बना हुआ है। पैसे नहीं आ रहे, जैसे बाद में आदमी नहीं आ रहे, आदमी नहीं आ रहे, अंदर से आएगा वो मरा हुआ के बीच में। आप देख सकते हैं कैसा असमंजस है। मैनेजमेंट वाले कुछ और कह रहे हैं, गांव वाले कुछ और कह रहे हैं। अभी ये जब पूरा हादसा है, अगर कंपनी वाले कहते हैं कि सारे एसओपीज फॉलो करते हैं, फिर ऐसे छोटे मोटे हादसे होते क्यों रहते हैं? मतलब कहीं ना कहीं और किसी न किसी लेवल पे भूल चुक तो होती है, जो कि कंपनियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। टीम कूलिंग टीम रिपोर्ट करिए। ओके, वेरी गुड एक्सीलेंट कंपनी कोऑर्डिनेटर। ओके ओके, थैंक यू। सो रिपोर्ट इज दैट देयर इज वन कैजुअलिटी आर हैज बीन एक्सीलेंट। ये कूलिंग का दिया हुआ है, एक कूलिंग का है। जब भी आप पंप स्टार्ट करते हो तो कूलिंग चालू करना जरूरी है, क्योंकि इंजन जब खड़ा हुआ है, गाड़ी जो अपनी होती है उसके अंदर भी जब गाड़ी चलती है तो उसकी हवा फैन से उसको टकरा के लगती है, पर ये इंजन अपने यहीं खड़ा हुआ है इसलिए इसका कूलिंग रखना चालू जरूरी है। तो अभी स्टार्ट कर पंप लगा हुआ है, आप यहाँ से इधर से देख सकते हैं, ये पंप का हिस्सा है ये, ठीक है। ये डबल स्टेज पंप भी आता है, सिंगल स्टेज पंप भी आता है, और ये जो पंप का कैपेसिटी है 1200 LPM, ठीक है। कई रिगो पे हमने दिया था 1800 LPM वाले, लेकिन ये 1200 LPM वाले पंप लेटेस्ट आए हुए और फुल्ली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है ये। इसके अंदर वाटर रिंग प्राइमर है। ये सभी चीज बताता है, इसके अंदर कितना डीजल है, टेम्परेचर, ऑयल का प्रेशर, ठीक है ना, कितना चला है और कौन सा मॉडल है। ओके, नंबर 4 इंक्रीज प्रेशर, नंबर 3 इंक्रीज प्रेशर, नंबर 1 प्रेशर इंक्रीज, नंबर 2 डिक्रीज प्रेशर, नंबर 3 डिक्रीज प्रेशर। Thank you.
खत्म हो गया सबका। अवनीश भाई वाटर ऑन बाबू भाई कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया बात हम कैसन चलत रही You can kneel down here or that side, any side there is no problem. Kneel down first, take a nice position. Now, for target massage, we don't remove the clothes.
It's only for electric shock that you have to remove the hose. But I will remove it and gently you remove this. This is a skill guide. When you press it properly and it has to give you green, you may not green at all three, but you must get green at two, top and down. This I will explain to you why it is not programmed to the latest. Latest is 1 and 2 and old was 1 and 2 and 3. This program to the old. But still, we'll be able to get. Don't worry about it. What is important is to press the car. Where to press, how to press. You can see here, this is the rib cage. You can see here. Now, this bone is from here up to here. This bone is not from here to here. This bone comes down here, this part. So we put three fingers so that you don't press on this. Put the heel of the palm next and come on top. And you can see there when you press, you can see the lights. You can see green, you can see this. So 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13 and 14 and 15 and 1 and 2 and 3 and. Now, if you do fast, you will not get all that. You can, sometimes the green third one comes. So you try and do as much as possible. Fiddle with this, no damage to be done. So what is important? Where is the tip? Tip is here. Cover this. This part here. Go on top. And try and see. See when it comes green or not. Do it. You repeat this as many times. Come back again. Repeat this. Do this again. You will get it. Come here, madam. Only one. How the juice? Hi, sir. How the juice? Hi, sir. Very good. Helmet kis side rakha? Real firefighter, sir. तू कुछ जल जाएगा ए, इसको कूलिंग करो होश निकल जाए मैंने दो काम उधर रखा हुआ है ये तो रखा है वहाँ भी रखा हुआ था वहाँ डीजल रखा था पेट्रोल को जीत के आना हार के नहीं यह जंग का माहौल है आज कुछ करने का मौका है देश के लिए मर मिटो तुम्हें आजो 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 तू छोड़ो
इधर से आ जाओ, हेलो हेलो, उनको बोल इधर से आने के लिए। विंडो एक्शन, विंडो एक्शन क्या कोई स्नोमैन मनु चलो देख रहे थे सर ने नहीं दिखेगा, उससे नहीं दिखेगा। आप आई आप बाहर आइए बाहर आइए। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा सर। हॉस्पिटल सेंड कर दिया गया है। अवर टीम विल बी देयर टू इन्वेस्टिगेट एंड कुछ भी कंक्लूड करेंगे विल लेट बैक आई मीन कम बैक प्लीज। सर अलग अलग जगह बार बार आग क्यों लग रही है?
बराबर इतने लगे थे गाँव वाले जो थे वो आग लगा रहे थे, वो बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और गुस्से में उन्होंने आग लगा दिया। हम दो ही थे, उनको सिक्योरिटी वाले ने पकड़ रखा था। घुस चुके थे पहले से साइड पे और हमारे ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस कर रहे थे, तो मैं भी उनकी वजह से लगा हूँ। और बाकी दो आई थिंक तीन बार आग तो तीन बार आग लगी है और तीनों बार हमारी टीम ने सक्सेसफुली अच्छे तरीके से फायर फाइटिंग की है। तो मैं चाहूंगा आप लोग हमारी टीम को भी अप्रिशिएट करें, बट साथ ही साथ इनकरेजमेंट उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना सर, हमारे जो आदमी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है उनका खर्चे का आप कर लेना चाहिए, ऐसा हम लोगों का सबका रिक्वेस्ट है। उनको अभी नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल सेंड किया गया है सारा खर्च, आई मीन जो कि हमारे प्रमिसेस में हुआ है, विल टेक केयर ऑफ ऑल।